वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक। देखो आज अपने पास फिर से एक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का नाम है 10-10 थॉर। हमारे पास यहाँ पर है लिटरली 10-10 थॉर। अब इन 10 थॉर में से कौन सा रियल है ये पता करना हमारी ड्यूटी है। और आप तो जानते हो, पता तो अपन कर ही लेंगे, लेकिन पता करने के पहले अपने को कुछ सवाल जवाब करने पड़ेंगे, कुछ राउंड करने पड़ेंगे। गाइज चलो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। मास्टर थोड़ा देख के भैया, ये थॉर ना थोड़ा गुस्से वाला है। अगर इसे ज्यादा गुस्सा आता है तो ये अपने हथौड़े से सबको खीला समझ के ठोक देता है। अरे हाँ भाई, तो वो तो सिर्फ रियल थॉर ही कर पाएगा ना, तो अपने को तो सिर्फ रियल थॉर से ही सावधान रहना है। हाँ, पर पता नहीं कौन सा थॉर रियल निकले भैया, सब तो सेम दिख रहे हैं, सबकी इतनी इतनी बॉडी है भाई। लगता है आज सब नाश्ते में बॉडी खा के रहे हैं। हाँ भाई, बॉडी खाए नाश्ते में और बॉडी बन जाए, ऐसा ही है। कोई सेंसेस बात? चलो भाई आज अपन चालू करते हैं। ऑलराइट गाइस, अपन इधर से चालू करते हैं। और अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, लाइक लिटरली परफेक्ट दिख रहा है। और इसको इतना पसीना क्यों आ रहा है? वेट अ मिनट गाइस, पसीना सिर्फ दो तीन सिचुएशन में आता है, जब बहुत ज्यादा थके हो, एक्सरसाइज किया हो, या फिर गर्मी हो, या फिर बहुत ज्यादा नर्वस हो। गाइस मेरे को ना ही गर्मी लग रही है, ना ही एक्सरसाइज किया है, नर्वस लग रहा है मेरे को। और नर्वस तो इंसान कोई अजीब सी सिचुएशन में ही होता है, हो सकता है ये फर्जी हो। ऑलराइट थॉर, मैं तुझसे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तेरे बॉडी और तेरे डोले शोले तो बढ़िया लग रहे हैं, एक बार बता कि तू कब से वर्कआउट कर रहा है? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं करता वर्कआउट, मेरा हथौड़ा इतना भारी है कि हथौड़ा उठा के मेरी बॉडी बन गई है। तुम्हें कोई शक है इस बात पे? मेरा हथौड़ा बहुत भारी है। ओके ठीक है, तेरा हथौड़ा बहुत भारी है ना, और सिर्फ हथौड़ा उठाने से तेरी बॉडी बन गई। गाइस ये बहुत झूठ बोल रहा है। गाइस लाइक लिटरली थॉर हर दिन एक्सरसाइज करता है। लेट्स गो। और गाइस ये तो फर्स्ट राउंड है, आपको एक सेकंड राउंड में क्या होने वाला है बताता हूं, लेकिन ये बात अपने बीच रहेगी ना, चॉप और शिनचार को नहीं पता चलनी चाहिए। गाइस सेकंड राउंड में ना अपन एक्चुअल थॉर का जो हथौड़ा है वो अपन को मिल चुका है, उसे रख देंगे सामने और देखेंगे कि कौन उठा पाता है या नहीं। लेकिन सेकंड राउंड तक कौन कौन से थॉर जा पाते या नहीं वो भी तो देखना पड़ेगा। तो चलो अगले से बात करते हैं। ओ भाई छोटू मोटू इधर आओ। छोटू मोटू? अरे माना भाई, शिनचान छोटू है, लेकिन मैं कहां से मोटू लगता हूं भैया? आई एम वेरी फिट एंड हैंडसम डॉगी। भाई मैं तो तेरे को छोटू बोल रहा था। मेरे को छोटू? अरे भाई चुप रहो भाई, आप सवाल पूछो। सवाल तो शिनचान पूछेगा। शिनचान ओके, सवाल तो इससे पूछना है, आप लोग इसके पास क्यों खड़े हो? तू पहले वाला थॉर को देख, उसके बाद तू समझ जाएगा। अच्छा, अरे बाप रे बाप, इस थॉर को क्या हो गया? अरे भाई इतनी भी धूप नहीं है कि पूरे मुंह में सनस्क्रीन पोत के आ जाओ। गाइस लगता है इसे अपनी स्किन की बहुत चिंता है, इसने तो पूरी सनस्क्रीन लगा ली है। ओ भाई थॉर जी, आप एक बात बताइए कि आपका ये मुंह जो है ये इतना सफेद क्यों है? क्योंकि ये मेरा मुंह है भैया, तुम्हारा मुंह इतना घटिया क्यों है मैंने पूछा क्या? नहीं ना, अपना काम करो। अरे बाप रे बाप, इतनी गंदी स्वभाव वाले है, आप तो असली थॉर हो ही नहीं सकते। आरिन भाई इन्हें उड़ा दो। लेट्स गो। ऑलराइट चॉप, अब अगला सवाल तू पूछने वाला, जल्दी से पूछ ले भाई। ओके थॉर, जरा एक बात बताइए, आपके पास जो शक्तियाँ है वो कौन सी शक्तियाँ है? आप आखिर किसके शक्ति के मालिक है? ओए मैं हूँ गॉड ऑफ थंडर, ओए मुझसे पंगा नहीं लेना वरना बना दूंगा मैं तुझे बंदर। मैं तो पंगा ही नहीं ले रहा हूँ भाई, और मैं वैसे डॉगी से बंदर बन गए थोड़ा सा खुशी होऊंगा, अगर आप चाहो तो बना सकते हो। एक मिनट, आप पहले मेरे सवाल का जवाब तो दे दिए हो, अब दूसरे सवाल का जवाब दो। ये बताओ कि क्या आप एक बहुत बड़ी जगह में तूफान पैदा कर सकते हो? ओए तू बोले तो मैं तूफान पैदा करूँ, ओए तू बोले तो मैं बैठूँ, तू बोले तो मैं नाचूँ, ओए मैं तेरे घर का पालतू डॉगी नहीं हूँ। अरे भाई ये तो थोड़ा ज्यादा ही गुस्से में है, मास्टर ये कहीं रियल तो नहीं है? भाई मुझे तो लगता है कि तू क्वेश्चन पूछने गया ना, इसलिए वो गुस्सा हो गया। अरे मैं ऐसा क्या हूँ भाई जो गुस्सा हो जाए, मुझे तो यार रियल लग रहा है। वेल देखा जाए तो मुझे भी रियल लग रहा है गाइस, तो इसे अपन ना फॉरवर्ड कर देते हैं। ऑलराइट भाई आप नेक्स्ट राउंड पे चले जाओ। ओए वैसे तो मैं ज्यादा लोगों की बात मानता नहीं हूँ, और पर फिर भी ये चैलेंज करके मान रहा हूँ। अरे भाई ठीक है यार, तू मतलब ठीक है, होगा भाई थॉर, लेकिन ढंग से चल रहे है ना, बहुत जगह है यहाँ पे। ऑलराइट भाई नेक्स्ट है तो मैं ही बात करता हूँ। अरे वेट अ मिनट, व्हाट? अरे भाई तुम्हारे बाल कहाँ रह गए? एक मिनट गाइस, इसके लिटरली बाल ही नहीं है। अरे ये कैसा है भाई? एक मिनट गाइस, इसकी ना खोपड़ी है, ना दिमाग है, ना कुछ नहीं है, पर फिर भी इसके पास एक मुंह है। भाई ये बहुत विचित्र बात नहीं है? लेकिन गाइस आपको पता है इससे भी ज्यादा विचित्र बात क्या है? वो ये है कि आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है आपको वीडियो भी पसंद आ रही है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। भाई ये बहुत अजीब बात है, इसीलिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो गाइस, क्योंकि अभी
अभी अपन इसकी पोल खोलने वाले। मुझे ये बता दे कि तेरे बाल कहाँ है। आई एम थॉर। अरे भाई मेरा प्रश्न कुछ और था, मेरा प्रश्न ये है कि तेरे पास बाल जो है वो क्यों नहीं है। आई एम थॉर। अरे पागल आदमी, ये थॉर कभी नहीं हो सकता है भाई। अगर तेरे को आई एम थॉर बोल के बताना पड़ रहा है ना तो बाय बाय, नेक्स्ट पे चलते। अरे भाई एक के पास बाल नहीं था, दूसरे के पास मुंह नहीं। अरे भाई तुम दोनों ना आधा आधा एक्सचेंज कर लेते, कम से कम एक थॉर बन जाता। यार ये कैसा बंदा है, इसके पास मुंह नहीं है और इतने बड़े बाल है। भाई सब बढ़िया है, बॉडी बॉडी है, सूट है, सब सही है, बस मुंह ही नहीं है। मेरे को तो गाइस मेरे को से क्वेश्चन ही नहीं पूछना है। ऑलराइट भाई बाय बाय। ऑलराइट गाइस नेक्स्ट के पास चलते हैं। हाँ ये कंप्लीट लग रहा है, ठीक है भाई। एक बात बताओ भाई थॉर, तुम्हारे पास कौन सी पावर है। मैं हूँ गॉड ऑफ थंडर, मेरे पास है थंडर की शक्तियाँ। हाँ वेरी गुड। और ये बताओ भाई कि एवेंजर्स क्या है, और क्या तुम एवेंजर्स का हिस्सा हो। मैं एवेंजर्स का हिस्सा तो हूँ, इनफैक्ट मुझे काफी पावरफुल एवेंजर्स भी बोला जाता है। कुछ लोग तो मुझे मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स के नाम से भी जानते हैं। और देखा जाए तो एवेंजर ज्यादा कुछ नहीं, वो लोगों की मदद करते हैं। उसमें स्पाइडरमैन है, आयरन मैन है, हल्क है, बहुत सारे लोग हैं, और मैं भी उनका ही दोस्त हूँ, लेकिन मैं बाहर से आया हूँ। ओह माय गॉड गाइस, ये तो एनसाइक्लोपीडिया निकला भाई, इसको इतनी सारी नॉलेज है। एक काम करो भाई, तुम ना अपग्रेड हो रहे हो, तुम जाओ भाई नेक्स्ट लेवल के लिए, वहाँ खड़े हो जाओ। ठीक है जैसा तुम बोलो। ऑलराइट गाइस, अब देखो अपने पास वहाँ पे दो हो गए, अपने को टोटल तीन और चाहिए, ठीक है। यहाँ पे चार बचे, चार में से तीन जाएंगे और एक फर्जी है कोई, तो अपने को चारों से बात करने के बजाय कोई एक फर्जी को पता करना है। मैं तो सोच रहा हूँ बस ना सबका ना कैसा कैसा शेप है, बॉडी है, उसको देख लेते हैं। ये तो मेरे को परफेक्ट दिख रहा है, ये भी परफेक्ट ही दिख रहा है, ये भी अरे नहीं, ये क्या भाई इसका, अरे इसका लिटरली मुंह का कलर बदल रहा है भाई, ये फर्जी है। ये देखो इसका कलर ब्लैक हो गया, व्हाट गाइस, ये फेक लग रहा है मेरे को, इसको उड़ाना पड़ेगा। 3 2 1 लेट्स। अरे अरे भाई इसका मुंह लाल लाल, और अरे भाई लाल हरा हो गया यार, इसे दौड़ाओ, ये फेक है गाइस। 3 2 1 लेट्स गो। ऑलराइट भाई तुम तीनों जाओ बढ़िया, और नेक्स्ट राउंड के लिए खड़े हो जाओ। ऑलराइट गाइस ये अपना सेकंड राउंड, यहाँ पे अपने पास है पांच पांच थॉर, और बीच में है एक थॉर का हैमर। और गाइस मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये हैमर सिर्फ और सिर्फ रियल थॉर ही उठा सकता है, मतलब आई डोंट थिंक सो कि उसके अलावा कोई और उठा सकता है। क्योंकि गाइस देखो ये जो अभी हथौड़ा है ना, ये हवा में लिटरली फ्लोट कर रहा है, और जैसे इसका जो एक्चुअल मास्टर है, जो रियल थॉर है, वो इसके पास आएगा और वो जैसे ही चाहेगा ये हथौड़ा उसके हाथ में आ जाएगा। ऑलराइट भाई एक एक करके सारे आ जाओ। ऑलराइट गाइस पहला थॉर आ रहा है। ओके भाई इसको देख के ना हथौड़ा हिलना तो छोड़ दो भाई, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, ये फर्जी है। शिनचैन एंड चॉप, 2 मिनट इधर आओ, तुम्हारे लिए एक और जगह है। ऑलराइट ये जगह ठीक है क्योंकि अभी एक धमाका होगा। शिट, क्योंकि जो फेक होगा ना, और अगर वो फर्जी जाके उस थॉर के हथौड़े को छूने की कोशिश करेगा तो वो एक्चुअल में फट जाएगा। अब देखते हैं गाइस, ये लोग तो डरे हुए लग रहे हैं, नेक्स्ट कौन जाता है। ओए मैंने पहले ही बोला था थॉर का हथौड़ा है, थॉर का, और कोई छुएगा ना तो वो उड़ जाएगा। हाँ भाई तेरा है तो तू छू के दिखा दे। ओए ठीक है, और तू इतना ही बोल रहा है तो मैं उठा देता हूँ। ओए ध्यान से देखना, अभी जादू होने वाला है। हाँ भाई देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं। ओह माय गॉड। ऑल राइट गाइस, इसने हथौड़ा उठा लिया, इसका तो ये मतलब है कि ये रियल हुआ ना। नहीं मैं ऐसा चैलेंज करता हूँ कि मैं भी इसका ये हथौड़ा उठा सकता हूँ, मुझे भी मौका दिया जाए। भाई थॉर का हथौड़ा कोई और भी उठा सकता है। ठीक है भाई थॉर एक काम करो भाई, अपना हथौड़ा एक बार छोड़ दो, अपन देखना चाहते हैं क्या ये एक्चुअली में उठा सकता है। और ठीक है फिर, मैं भी कोई मर नहीं रहा हूँ अपना हथौड़ा उठाने के लिए, और तू उठा के दिखा दे। वैसे भी तू अगर नकली होगा तो तू जल के फट जाएगा। रुको रुको, उससे पहले जब तुम दोनों खड़े हो ना भाई, हाँ तुम दोनों भी आके जरा दिखाओ, हमें तो दो असली पता चल गए हैं, लेकिन तुम दोनों फर्जी लगते हो। अरे भाई मेरे को तो भागना पड़ेगा, मेरे को फूटने का शौक नहीं है। आई एम सॉरी भाई, मैं जा रहा हूँ। भाई वो तो खेल छोड़ के भाग गया। अरे भाई तू एक बचा है, तू आ जा यार। अरे मैं किसी और दिन आऊंगा, क्या है ना मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। आई एम रियली सॉरी। अरे क्या, अरे भाई कौन सा काम याद आ गया तेरे को। भाई वो बंदे लिटरली भाग गए। भाई तुम फर्जी नहीं हो रहा, एक काम कर भाई तुम आगे आओ, और आगे एक्चुअली में उठा के दिखाओ भाई, पता चल रहा है तुम भी भाग गए हो तो। ठीक है, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, तो जब मैं करके दिखाऊंगा उसके बाद ही तुम्हें विश्वास होगा। ठीक है नकली थॉर, तुम देख पा रहे हो ना कि असली थॉर अपना हथौड़ा कैसे उठाने वाला है। ओए मुझे नकली अगली बार बोला ना तो तेरा सर फोड़ दूंगा। तुम नकली हो तो नकली ही बोलूंगा ना। ठीक है फिर, ये देखो। ओ माय गॉड, एक और थॉर, क्या चल रहा है भाई। मैं ही हूँ असली थॉर, ये है फर्जी।
ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पे तो और बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब अपने को एक फाइनल राउंड पे जाना पड़ेगा जो कि होगा टास्क राउंड। अब मैं दोनों थॉर को ना इनकी पावर के हिसाब से एक एक टास्क दूंगा और देखता हूँ कौन कर पाता है गाइस, रियल थॉर ही कर पाएगा। लेट्स गो। ऑलराइट, तो यहाँ पे काफी सारी टैंक्स रखी है और ये सारी टैंक्स काफी पावर्स के बाद ही फूट सकती है गाइस। देखना ये होगा कि लोग किस लेवल के टैंक्स तक जा सकते हैं, क्योंकि ये अपनी पावर का यूज यहाँ से करेंगे। यहाँ से स्ट्रेट लाइन में लोग कितने टैंक्स को फोड़ सकते हैं, ये काफी हार्ड है। ऑलराइट भाई, पहले कौन सा थॉर जाना चाहता है? जाने तो मैं वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ वेरी गुड, तू नहीं जाएगा भाई। हाँ थॉर भाई तुम जाओ, ठीक है? ये ना बात लगता है तुम भी पहचान गए हो कि असली कौन है। ओ भाई तू ये गलती कर रहा है, मैं तुझे बता रहा हूँ भाई, पता चल जाएगा ना गलती कर रहा हूँ कि नहीं। भाई ये वाले थॉर तू चले जा पहले। भाई याद रखना, तुम दोनों को तीन तीन टर्न मिलने वाली है, तीन चांस में किसने बेटर किया देखा जाएगा। गाइस अपनी ये पहली टर्न यूज कर रहा है। अरे 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 अरे, ये क्या था? व्हाट, कुछ हुआ ही नहीं भाई, ये क्या फर्जी है क्या? मैं तो बस चेक कर रहा था कि ये टैंक कितना पावरफुल है, ये काफी पावरफुल है। व्हाट, अरे भाई चल ठीक है, वाली चांस तेरी नहीं गिनी जाएगी, बट अगली बार से ऐसा मत करना। अरे हाँ हाँ चिंता मत करो, ये देखो। मुझे तो कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। अरे यार ये कैसे हो सकता है, ये देखो। ओ माय गॉड भाई, क्या फोड़ा इसने, ये देखो। मैंने यहाँ तक तो आग लगा ही ली। पर भाई तेरी लास्ट टर्न है, अगर तू इस लास्ट टर्न में ये पहली वाली टैंक को नहीं फोड़ पाया ना तो तेरा कुछ भी नहीं गिना जाएगा। ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। हाँ भाई ट्राई कर ले। ओ माय गॉड इसने फोड़ दिया। गाइस अब आइए अपनी बारी काउंट करने की। इसने ऑल द वे यहाँ तक फोड़ा है, तीन बज गई भाई, मतलब 1 2 3 4 5 6। अगर भाई अपने इस थॉर को जीतना है तो इसको 7 या फिर पूरी फोड़नी पड़ेगी। गाइस सच बताओ तो पूरी गाड़ी फोड़ने के लिए एक ट्रिक है, मतलब ये पॉसिबल है, बस जो रियल थॉर होगा ना वो थोड़ा दिमाग लगा के कर सकता है भाई, देखते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था। क्यों डर गए तुम? हाँ मुझे तो देख कर ही लग रहा है कि तुम डर गए हो। ओए ठीक है अभी मैं दिखाता हूँ, असली शक्ति होती है ना तेरे पास तो तू एक नहीं दो दो वेपन यूज करता। ओए ये देख मेरे पास है दो दो वेपन। ओ माय गॉड, व्हाट, ऐसा भी कुछ होता है क्या? गाइस लेट्स सी, इसके पास भी तीन चांस है, ये क्या करने वाला है? भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ओ ओ ओ ओ माय गॉड, वेट अ मिनट भाई साहब, एक ही बार में लास्ट तक आग लगा दी इसने। व्हाट गाइस, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये असली है। ओए वैसे तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है पर ये ले। व्हाट, ओ माय गॉड, ये है अपना एक्चुअल रियल थॉर। ओए तू फर्जी है, ओए ये ले। ओ भाई साहब, आई मीन थॉर भाई इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है। ओए क्या बोल रहा है तू? हाँ क्या बोल रहा है? हाँ मैं बोल रहा था इतना गुस्सा बाकियों के लिए अच्छा नहीं होता भाई, तुम्हारे लिए बढ़िया है, तुम ही रियल हो भाई, तुम ही रियल थॉर हो। ओए मैंने कहा था ना तू भी मानेगा। ओए ये ले, मैं अपना वेपन भी छोड़ देता हूँ, किसी को उठाना है तो उठा ले। भाई तेरा वेपन तू ही उठा सकता है भाई। व्हाट गाइस, आई मीन लिटरली हमने रियल थॉर को पता कर लिया भाई। आज की वीडियो में तो इतना ही था, पसंद आया तो लाइक करो और चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करो। चलो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।